हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स टॉक। होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम परिवर्तन की बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और ये प्रतिदिन होते ही रहता है, और अभी के समय पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे परिवर्तन की हवाएं कुछ ऐसी घूमी है कि आज एक हर एक देश है जो कि भारत के साथ हाथ मिलाना चाहता है और उसके साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहता है। इसी दौरान हमें यूएस से जो बिडेन का एक न्योता आता है, एक सजेशन कह लीजिए, एक इनविटेशन कह लीजिए आता है कि आप नेटो के मेंबर बन जाए, भारत भी नेटो का मेंबर बन जाए। और ये तब आती है जब पीएम नरेंद्र मोदी अपने यूएस के दौरे पे जा रहे होते हैं, जो कि ये दौरा उनका शुरू होगा 22 जून को। 22 जून को पीएम नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन पहुंचकर एक इतिहास रचेंगे, क्योंकि वो एक भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो यूएस कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित करेंगे, यानी एड्रेस करेंगे। तो अब ये नेटो में इंक्लूजन का इन्विटेशन क्यों आया? यूएस पैनल के हिसाब से 31 मेंबर का जो ये पैनल है, मिलिट्री अलायंस है, इसमें इंडिया को शामिल हो जाने का न्योता दिया गया है, जो कि यूएस पैनल की एक सजेशन के तौर पे आया है, ताकि न्यू दिल्ली की इंक्लूजन से चाइना, जो कि हमेशा युद्धरत रहता है, उसकी रोकथाम हो पाएगी। अगर इंडिया और इस नेटो का मेंबर बन जाता है तो इससे क्या होगा कि यूएस, अमेरिका और भारत के रिश्ते जो है वो काफी मजबूत हो जाएंगे, जिससे जिस पर चाइना पे रोकथाम या फिर उस पर नकेल कसी जा सकेगी। ये तो यूएस पैनल का सजेशन रहा या उनका इनविटेशन रहा। अब भारत इस नेटो में मेंबर बनता है या नहीं, नरेंद्र मोदी कांग्रेस को एड्रेस करते हुए, यूएस कांग्रेस को एड्रेस करते हुए वॉशिंगटन में क्या कहते हैं, ये जब वो वहां पहुंचेंगे, एड्रेस करेंगे, तब की बात है। लेकिन उसके पहले ही हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ये साफ कह दिया है कि इंडिया इस तरह के किसी भी मिलिट्री अलायंस से दूर ही रहे तो बेहतर है। ये सूट नहीं करता इंडिया को, और इस तरह के अलायंसेस इंडिया को अप्लाई नहीं करते। उनका ये कहना है कि बदलती दुनिया में, बदलते इंटरनेशनल सराउंडिंग्स में, बदलते इंटरनेशनल आबोहवा में एडजस्ट और एक दूसरे को समझने की जरूरत है, और इंडिया बाकी देशों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करता आ रहा है। ये इस मजबूती के लिए या फिर एक दूसरे के साथ बनकर काम करने के लिए और एक दूसरे से दोस्ती आप कह लीजिए या फिर लॉयलिटी और ट्रस्टवर्दी रहने के लिए किसी टेम्पलेट या फिर किसी ऐसे नेटो जैसे वर्ड या ऐसे किसी अलायंस की जरूरत नहीं है जो कि धमकी के तौर पे कभी भी इस्तेमाल की जा सकती है। उन्होंने ये डायरेक्ट कहा है, इंडिया डजंट अप्लाई टू सच टेम्पलेट, जो कि यूएस और बाकी जो 31 मेंबर हैं इस मिलिट्री अलायंस के, वो हमेशा ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर ने ये पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि भारत अपने बढ़ते कदमों को आगे बढ़ाता रहेगा, लेकिन उसे इस तरह की किसी भी टेम्पलेट की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूएस की यहाँ पे कमजोरी कह लीजिए, मजबूरी कह लीजिए, वो साफ तौर पे नजर आ रही है, और उसकी जो घबराहट है, जो झिझक है चाइना से, वो भी नजर आ रही है। यही तो चाहते थे हम, यही बदलाव शायद हमारे फोरफादर्स ने देखा था, जो कि धीरे धीरे कामयाब हो रहा है। तो इसमें गलत क्या है? विदेशी दौरे करने से ही हमारे देश की जो डाइवर्सिटी है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, वो लोगों तक पहुंच रही है। इस फैसले का तो पुरजोर हम सपोर्ट करते हैं और करना भी चाहिए। यहां हम अपनी बात, अब भारत एक ऐसा देश हो पाया है जो अपनी बात को सामने रख रहा है।
ये एक बहुत अच्छी आत्मनिर्भरता का क्या कह सकते हैं, प्रतिबिंब है। इसे हमें आगे बढ़कर और भी सीख लेनी चाहिए और इसी तरह के बदलाव और डेवलपमेंट और इसी तरह की ग्रोथ को हम पुरजोर सपोर्ट करते रहेंगे। अब ये देखना होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के कांग्रेस को संबोधित करने के बाद का कंसीक्वेंस क्या होता है, उसका आउटकम क्या होता है, ये इंटरेस्टिंग रहेगा। तो जानेंगे अब ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हमारे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। कीप सपोर्टिंग अस एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ अगेन। थैंक यू वेरी मच।